गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सदवाई स्पेक्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आया हूँ जीरो। तो जीरो आए तो शिवलिंग घूमने तो आना ही है, आप लोग तो पता है जीरो ने जीरो आए तो शिवलिंग तो घूमना है। तो मैं देखने के लिए आया हूँ शिवलिंग कैसा है। तो या बहुत सब ब्लॉग्स में देखा है, तो चलो घूमते हैं। सो यहाँ से एंटर होता है, यू कैन सी ये है इतना बड़ा बेल टंग। चल अंदर घुसते हैं, इसको देखे तो अलग से अपना वो क्या बोलते हैं दापोरिजो का मंगा मंदिर का बहुत याद दिलाता है। देखो अभी बेल अकाउंट बजा के जाए। चलो अभी बेल अकाउंट बजाते हैं। ये बेल अकाउंट देख रहे ना, देखो इसको बजा के अभी अंदर घुस गया। चलो अभी और अंदर घुसना है और बहुत अंदर घुसना है मुझे। चलिए ऐसे एंटर होते हैं। जूता वूता खोलना पड़ता है, बोला है जूता खोलते हैं। ये देखो अंदर घुसेगा। सो चलो अंदर घुसते हैं बेल बजा के। अलग से अपना दापोरिजो जो का मांगा मंदिर का बहुत फील कराता है, ये जो दिल अलग से वही सोचता है अभी हम दापोरिजो में आए मांगा मंदिर में घुस गया ऐसे लगता है। पर क्या करेगा, जीरो जगह है, शिवलिंग है जीरो का, तो दापोरिजो का बहुत फील आता है ना ऐसे जब बेल जब बजाता है। तो चलिए घुसते हैं बेल बजाएंगे। वाह अच्छा लगा मुझे आके यहाँ। चलो आप लोगों और दिखाते हैं, चलिए इस सब के पत्थर को देख सकते हैं, सब इसको प्रार्थना करता है, तो इसको भगवान मानता है ये लोग। इसको देख सकते हैं, इसका स्टोरी होता होगा, किसी से जान लेंगे। और वहाँ पे भी एक है, देख सकते हैं पत्थर वहाँ पे सांप है, देखो बहुत पब्लिक आया हुआ देख सकते हैं। सो गाइस अभी एक राउंड मारते हैं, वो भी एक राउंड मरेंगे, एक राउंड यहाँ में जितने ना ये देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे राउंड मरेंगे। चलिए राउंड मरेंगे, एक राउंड मरेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत पापी काम किया हूँ ना, तो मेरे पापी काम को मैं भगाने के लिए आया हूँ शिवलिंग में। तो चलो ओम नमः शिवाय, देखो चलिए लेट्स गो। चलो तो गाइस अभी ये देख सकते हैं, अभी हम प्रार्थना करेंगे, हम जितना पापी काम किया आज उसको भगाने के लिए आए हैं। कम ऑन, तो भगवान ने कहा है कि मेरा पापी को भगा दिया है, अभी हम प्रार्थना किए हैं, हम भगवान बुलाए अब मेरा पापी काम को। तो भैया जी ये जो पत्थर खड़ा है ना, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, इसके बारे में स्टोरी जान। जो ये जो पत्थर खड़ा है ना, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। इनके बारे में मतलब 2004 में लकड़ी काटने वाले को ये दिखाई दिए हैं, तब से 2004 से इनका पूजा पाठ हो रहा है। और यहाँ पर शिव जी का पूरा परिवार है, ये पेड़ से ढके हुए थे, जंगल के बीच में थे, तो पेड़ काटा है तो पेड़ शिवलिंग में ना गिर के उल्टा दिशा में गिरा है। गिरने के बाद में ऊपर में देख रहे हैं ना माला जैसा, वो माला उनको दिखाई दिया, तो नीचे उतर के थोड़ा जंगल सफाई की है तो शिव जी हो गए, पीछे पार्वती जी हैं, आगे गणेश जी हैं, एक कार्तिकेय हैं, और नीचे से गंगा पानी निकल रहा है। तो उसी ने जाके मतलब हापुली टाउन में बस्ती वाले को बताया है, तो बस्ती वाले आए तो थोड़ा और जंगल सफाई की है, तो आगे वो कार्तिक जी वहाँ में नंदी महाराज दिखाई दिए, नंदी गणेश गंगा शिव पार्वती और कार्तिकेय, और ये बासुकी नाग का माला है जो इसमें देख रहे हैं ना। और शिव महापुराण में भी इनका उल्लेख है कि संसार का सबसे बड़ा लिंग होगा, आगे जाके इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा, इस स्थान पर जो भी प्राणी दर्शन करने से उनका जीवन काल का पाप नष्ट होगा, शिव महापुराण रुद्रखंड 17वां अध्याय में वर्णन आता है। ऐसे तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, विष्णु पुराण, कई पुराणों में इनका उल्लेख आता है, लेकिन पहले मिले नहीं थे, मिलने के बाद में पता चला कि यही शिव जी यहीं पर मतलब विराजमान है पूरे परिवार के साथ, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में भक्त लोग आ रहे हैं, दर्शन करते हैं, मनोकामना उनका पूरा होता है, इसीलिए इनका नाम सिद्धेश्वर नाथ रखा गया है। और अरुणाचल हमारा सिद्धपीठ है, सिद्धपीठ का मतलब है ये हिमालय का पाठ है, तो इसमें जो भी प्रकृति रूप से जो लिंग निकला है बिना नाम का पूजा कैसे करेंगे, इसलिए सिद्धेश्वर नाथ नाम से पूजा होता है। थैंक यू सो मच, आशीर्वाद। सो स्टोरी के बारे में जान लिया,
तो अभी हम एक ड्रोन शॉट मारेंगे यहाँ से, सुंदर से दिखाएंगे। तो पत्थर को तो नहीं खींच सकेगा, ये शिवलिंग का जो ये पत्थर है ना, ये जो देख रहे हैं पत्थर जो देख रहे हैं उसको तो नहीं ले सकेगा वो शायद, पर भी आप लोग देख लो ड्रोन शॉट किस टाइप से लेता है। तो चलिए ड्रोन शॉट मारते हैं। सो गाइस अभी इसको टाटा बाय बाय करते हैं। तो देख सकते हैं मैं प्रार्थना भी कर लिया अपना, जो पापी काम किया था उसको भी भगा दिया भगवान ने, हाँ हाँ कहा था आपका पापी काम भाग गया। इतना सुंदर है, आलू भी विजिट करना, जीरो आने से हमें विजिट करना, देख सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से दूसरी मंजिल की ओर, दूसरा मंजिल में जाके स्वाइक करने चलते हैं। यहाँ का स्वाइक हो गया, अभी दूसरा जगह हम स्वाइक करते हैं। तो चलिए अभी मेरे बैग को लेके, जूता वूता को लेके चलते हैं। चलो तो ये देख सकते हैं हम एक काऊ है, इतना सुंदर देख सकते हैं। ये भी एक भगवान है देख सकते हैं, नंदी भगवान। तो ये भगवान को हम बाय बाय करते हैं। भगवान बाय बाय, आप अच्छा से फेंटो, तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम मैं आके मिलूँगा। तो आपने मुझे कहा बहुत अच्छा क्या दिया है, विश दिया है, और भी कंटिन्यू करते रहेगा, आप अच्छा से बैठो। हाँ नेक्स्ट टाइम वापस आएगा, ठीक है टाटा। तो चलिए जितना भी हम लोग के अरुणाचल के जितना भी वासी है यहाँ पे विजिट करना ज़रूर, इतना अच्छा जगह को आप लोग कभी मिस नहीं करना चाहिए, अच्छा जगह में आना चाहिए। आप लोग बोल रहे हैं ना, जो खराब चीज़ में कभी नहीं जाना है, अच्छा चीज़ में हेल्पअप है, अच्छा चीज़ में हमेशा घुसना चाहिए, खराब चीज़ में नहीं घुसना चाहिए। तो अभी हम लोग अगले लोकेशन पे चलते हैं, लेट्स गो। चलो तो टाटा बाय बाय करते हैं, निकलते हैं। ओला भैया जी चलते हैं, थैंक यू। हम भी अरुणाचल का है, ऐसे देखने आए आप लोग का शिवलिंग को देखने आए। चलो बाय। चलिए तो इसको टाटा बाय बाय करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लोकेशन पे। चलो बेल तरह बजा के जाएंगे। चलो 1 2 3 टैंग। चलो सो गाइस, पहले जब मैंने आया था तो मेरे माँ को मैंने कहा, पिताजी को कहा था कि मैं शिवलिंग घूमने जाएगा, कहा था जीरो में। तो माता जी ने बोला था कि वह गाड़ी उड़ी नहीं जाता है, बोल कहा था। तो अभी जो फिर वापस जीरो आए, तो आज जीरो आए तो देखा तो गाड़ी उड़ी जाने जगह तक तो बना दिए, बहुत थक गया। देखो ब्लॉग्स करने के लिए बहुत तकलीफ़ होता है और बोलना भी बहुत तकलीफ़ है, सांस लेके बोलना ही पड़ता है, नहीं तो वीडियो कुछ काम का नहीं होता है। तो चलो चलते हैं। तो चलो अभी चलते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच गया है आई लव जीरो, यू कैन सी। हम फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम सब कब देखा हुआ था, तो फाइनली सामने आने का मौका मिल गया। तो देख सकते हैं आई लव जीरो, सब ब्यूटीफुल, इतना सुंदर है। ये देखो यहाँ एक बुरा है, बुद्धि गायब हो गया, बुद्धि कहाँ चला गया पता नहीं बुद्धि। ये देखो आई लव जीरो देखो। सो फाइनली आने का मौका मिल चुके हैं आई लव जीरो में। तो देख सकते हैं इतना ज़्यादा सुंदर है, ये देखो इतना सुंदर है। बुद्धि गायब हो गया ना, यहाँ में पहले एक बुद्धि था ये साइड में, वो बुद्धि गायब हो गया, यहाँ पे बुढ़ा है, ठीक है बुरा यहाँ है। सो इतना सुंदर जगह है जीरो, पानी की तो और भी लवली है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा जगह है। तो मैं अच्छा लगा व्यू को देख के, मैं एक ड्रोन शॉट लेते हैं, मज़ेदार एक शॉट लेते हैं, ड्रोन मज़ेदार शॉट बजाते हैं, लेट्स गो। सो गाइस आपको ड्रोन शॉट अच्छा लगा होगा, तो ये रहा मेरा ड्रोन, देखो यहाँ पे है ये देखो। तो ड्रोन शॉट ले चुके हैं, बहुत अच्छा मज़ेदार शॉट था, और देख सकते हैं मेरा यहाँ स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो हम ड्रोन शॉट ले लिया है, बहुत अच्छा लगा ड्रोन शॉट, जो आई लव ये जीरो का ड्रोन शॉट अच्छा लगा, पानी की का शॉट भी अच्छा लगा है। और इसके बाद मैं बताना चाहेगा कि सबसे बेस्ट हमको अच्छा लगा था शिवलिंग का, सबसे अच्छा लगा है। तो अभी कौन सा लोकेशन जाएगा ब्रो, अभी हम दूसरा लोकेशन जाने के लिए ट्राई करेगा। तो चलिए सो फाइनली हम पहुंच गए सेकंड लेक
देखते हैं सिकंदर कितना सुंदर, ये देखो बहुत सुंदर है लोकेशन, देखो व्यू इतना सुंदर देख सकते हैं। वाह इतना सुंदर व्यू है, देखो पूरा नाव चल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है, एकदम स्वाइक चल रहा है, बहुत अच्छा जगह है व्यू ना, बहुत अच्छा व्यू है, आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। सेकेले का व्यू पॉइंट इतना मस्त। गाइस ये है हम लोग का गाड़ी, ये देख सकते हैं ये हम लोग गाड़ी है, ये देख लो ना सुंदर वाला गाड़ी। सो गाइस अभी हम लोग दूसरा लोकेशन से देखने के लिए जाएंगे, तो यहाँ से थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, दूसरा लोकेशन में जाके देखेगा कैसा होने वाला है व्यू, जब व्यू अच्छा है वहाँ पर रुकेंगे थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसके बाद घर निकल जाएंगे थोड़ा बाद में रेस्ट करके। तो देख सकते हैं गाड़ी हम लोग का गाड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी है, आई मीन दूसरा गाड़ी हम अपना नाम से रखा है फॉर्च्यूनर बोल के इसको रखा है। तो चलिए एंजॉय करिए आप लोग वीडियो को, लास्ट तक देखना, मिलते हैं आप लोगों को ब्रेक के बाद। सो अभी हम लोग दूसरा लोकेशन में आए, देखो यहाँ से होता इतना अच्छा व्यू लग रहा है, ये देखो इतना सुंदर व्यू देख सकते हो, इतना सुंदर व्यू, ओ देखो नाव आ रहा है और ये इतना सुंदर व्यू। सो हेलो गाइस यू कैन सी माय बैकग्राउंड, इतना सुंदर जगह है, यहाँ में है छोटा सा बोट, यहाँ बैठा हुआ है, जो आज हम लोग को जो लीड कर रहा है उसको मैं दिखाऊंगा आप लोग को, शर्म नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, जो मुझे लीड कर रहा है आज जीरो पे, हमको जो घुमा रहा है उसको मैं दिखाना चाहेगा। चलिए गाइस अब जीरो आने से ये ब्रो का घर में आके हम लोग बैठ सकते हैं, ये हाँ ये आज हमको घुमा रहा है भाई, आप दोनों को थैंक यू सो मच। तो सर जी आपका नाम को बता दीजिए। नारंग बुतुंग और आप वेग तनु, अच्छा आप दोनों क्या कौन सा ट्रैप का है, आप दोनों आप पता नहीं गए ना, तो देख सकते हैं आप पता नहीं पब्लिक लोग देख सकते हैं, इतना आप लोग इतना अच्छा यहाँ पे पालके रखा है, इतना हैंडसम है, हमको घुमा रहा है, दोनों को थैंक यू सो मच दे, बाद में दापुरी जाएगा तो हम भी घुमाएगा। हाँ अच्छा चलिए, तो देख सकते हैं ये दोनों हमको आज घुमा रहा है ये लेक में, इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर लेक को हम लोग, ये जो ना ये लेक को देखने से हम लोग जो ईटानगर का जो गंगा लेक को बहुत याद आता है ना, वो गंगा लेक को बहुत याद आता है इसको देखने से। तो चलो मेरा वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो को याद रखना चाहिएगा, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम, चाचा भाई, मिलते हैं ऐसे प्रकार के वीडियो के साथ में, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।